स्वागत करते हैं गुरुकृपा पाकिस्तान की बढ़ती हुई वह खबरें जो आप जानना चाहते हैं और लगातार उत्सुक हो। उपेन यादव जी लगातार बढ़ती हुई से संबंधित ट्वीट कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के विरोध में लगातार अपना प्रदर्शन और अपना प्रयास कर रहे हैं और सभी आपकी जितने भी डाउट है इसमें दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। और चलते हैं खबर, उससे पहले इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा देना और अगर रेट में अगर आप डेमो और इंटरव्यू नहीं चाहते तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखना। दोस्तों सरकार ने खोला पिटारा, राजस्थान सरकार लगातार बेरोजगारों के लिए 7624 पदों पर भर्तियां होगी और रीट भर्ती भी सरकार ने कहा लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और सरकार को घेरने के लिए रोजगार दो अभियान शुरू करेगी युवा कांग्रेस। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेस है, बापू के करो या मरो के नारे को अब नए मायने देने होंगे। राहुल CHO के 6310 पदों पर होगी भर्ती, ये देख सकते हो आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली 3850 पदों पर भर्ती, बहुत ही शानदार भर्ती है दोस्तों। अब आपको बता देते हैं LDC के 587 वापस जोड़ो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अधिकारियों की लापरवाही की सजा बेरोजगारों को ना मिले इसलिए LDC भर्ती 2018 में कम किए गए 587 पदों को वापस जोड़कर बेरोजगारों को न्याय प्रदान करे। दोस्तों LDC भर्ती के बारे में हमारे चैनल ने लगातार अपडेट दी है शुरू से लेकर, और मेरा निवेदन है सरकार से कि 587 पदों के लिए बेरोजगार लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैंने 587 पदों के लिए कम से कम 20-30 वीडियो बना दिए हैं और बिल्कुल जितने भी विधायक महोदय और सांसद महोदय हैं सभी से उन्होंने लिखवा कर जितना प्रयास एक बेरोजगार कर सकता है उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा उन्होंने प्रयास कर दिया। तो दोस्त सरकार को 587 पदों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए और ये बहुत ही, अगर 587 पदों के लिए सरकार और समय ले रही है तो ये सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। इसमें कोई ये आप देख सकते हो कि LDC 587 पदों के लिए आज बेरोजगार ने किया सोशल मीडिया का सारा, LDC 587 वापस जोड़ो के जरिए कर रहे हैं मांग, 32,000 ट्वीट के साथ इंडिया में कर रहा है टॉप। तो दोस्तों देख सकते हो आप जी राजस्थान की ये न्यूज़ अपडेट है जिसमें बेरोजगारों के ने लगातार कितना प्रयास कर रहे हैं, 32,000 ट्वीट हुए हैं 587 पदों के लिए। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण संघ ने दी चेतावनी, नई शिक्षा नीति में अगर इंटरव्यू में बढ़ेगा भ्रष्टाचार। दोस्तों बिल्कुल अगर इंटरव्यू होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भाई भतीजावाद वर्तमान में जो योग्य व्यक्ति आ रहे हैं वो योग्य व्यक्ति आना बंद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बहुत भारी नुकसान होगा। अभी की ताज़ा अपडेट आप दे सकते हो कि 11 अगस्त का निदेशालय का घेराव होगा, सेकंड ग्रेड 2018 और 227 पोस्ट एसआई ग्रो रीड 2020 नोटिफिकेशन जारी करे। लगातार राजस्थान के 11 लाख बेरोजगार रीड के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। अगर नोटिफिकेशन जारी कर देती सरकार अभी तक तो नई शिक्षा नीति का इस भर्ती से कोई मतलब नहीं रहता। फर्स्ट ग्रेड और ये रीट LDC 587 वापस जोड़ो, नर्सिंग पंचायती राज भर्ती 2013। लगातार नई शिक्षा नीति के नियम का जयपुर में विरोध, बेरोजगार संघ पहुंचा BJP कार्यालय, ये आप देख सकते हो। और एक महत्वपूर्ण निर्णय, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद ये साइंस का शिक्षा विभाग अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति, जो सेकेंड ग्रेड की नियुक्ति है उसमें आप देख सकते हो। संस्कृत शिक्षा में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति सामान्य स्कूल शिक्षा में चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने के बाद की जाएगी ताकि संस्कृत शिक्षा में पद रिक्त ना रहे, डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है। PWD में 990 पदों पर भर्ती, दोस्तों ये कर्नाटक लोक सेवा आई और राजस्थान का कोई व्यक्ति या नर्सिंग ऑफिसर की बनेगी 3803 जयपुर 18 आवेदन की अंतिम तिथि है। तो आप ये भी भर्ती अगर इसमें योग्य हो तो फार्म भर के। तो दोस्तों इस प्रकार की आज की ताज़ा अपडेट है और जल्द मिलेंगे नई ताज़ा खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।